कल अब कुछ ही दिन रह गए हैं, कुछ ही घंटे रह गए एक्चुअली, तो काफ़ी एक्साइटमेंट है, काफ़ी नर्वसनेस है, क्योंकि एक किस्म की बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है, एक अलग किस्म की कॉमेडी भी है, अलग किस्म का कंटेंट भी है, तो या होपफुली लेट्स सी, ईगरली वेटिंग नाउ फॉर द रिस्पॉन्स. नो, हम लोग तो रेडी हैं. आई होप कि लोग जाएं, अगर उनको कुछ प्रोमोस पसंद आए, गाने पसंद आए, दे शुड गो, दे शुड एंजॉय द फिल्म. हमने बहुत मेहनत की है, सो आई होप यू लाइक द फिल्म. जो दो कैरेक्टर्स हैं हमारी पिक्चर में, जो एकदम टिपिकल हीरो या हीरोइन टाइप कैरेक्टर्स नहीं है, एकदम किस्म के कि प्यार हमेशा एक करेक्ट आदमी और करेक्ट लड़की के बीच में नहीं होता है. प्यार कभी कभी दो नॉट सो करेक्ट और थोड़े टेढ़े लोगों के बारे में या थोड़े रियल लोगों के बारे में जिनमें काफ़ी खामियाँ होती हैं उनके बीच में भी हो सकता है. तो ये आई थिंक हमारी USP है, जो दो कैरेक्टर और दुनिया बनाई है विनिल मैथ्यू ने, कि थोड़े टेढ़े लोग, थोड़े रियल लोग, थोड़े हर किसी में थोड़ी खामियाँ होती है, हर कोई थोड़े टेढ़ा होता है, हर कोई थोड़ा अजीब होता है, तो कैसे दो अजीब लोगों के बीच में प्यार होता है. आई थिंक वो आपको ज़्यादा पसंद आएगा, थोड़ा नया लगेगा. ये पिक्चर वैलेंटाइंस डे स्पेशल होगी ऑफकोर्स. आई थिंक अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं, किसी के साथ डेट पे जाना चाहते हैं, पिक्चर करेक्ट है. इसमें काफ़ी रोमांस है, उतना क्यूट मोमेंट्स हमारे पास काफ़ी हैं. लव स्टोरी इज ऑलवेज गुड फॉर अ रोमांटिक फॉर अ वैलेंटाइंस डे, एंड हमारी में काफ़ी लव है और काफ़ी रोमांस है. नहीं नहीं, सेट काफ़ी मज़ेदार था, काफ़ी यंग था, काफ़ी कूल सेट था, काफ़ी बेसिक सेट था. आई थिंक हमारे स्पेशली मेरे लिए SOTY सेट से बहुत अलग था. पता चला कि कितने हम लोग वहाँ पे बिगड़े गए थे, कितने स्पॉइल्ड थे. बड़ा काफ़ी मज़ा आया पिक्चर शूट करते हुए. काफ़ी और चीज़ें करी है इस पिक्चर में हमने, काफ़ी और सिचुएशन में गए हम लोग, लव सीट जैसा, या तो गाड़ी में ड्राइविंग करते करते हिचकी के बारे में इनसे सुनना, या एक मीटिंग है मेरी जो मेरी एक स्टीम रूम में मीटिंग होती है. तो काफ़ी और सिचुएशन है आप देखेंगे पिक्चर में, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था. उन्होंने बस ये कहा था कि जब उन्होंने वो कैरेक्टर लिखा था तो उन्होंने एनविजन किया था कि मैं या मेरी जैसी कोई एक्ट्रेस उसके लिए करे, क्योंकि उनको शायद कॉन्फिडेंस था मेरे में. लेकिन ये मेरे लिए नहीं लिखी गई है, मेरे से 3 साल पहले से ये स्क्रिप्ट लिखी गई है. बट आई एम ग्लैड कि विनिल सर को इतना कॉन्फिडेंस था मुझ में और सिद में, और उन्होंने हम दोनों को इस पिक्चर में लिया. जैसे कि हमने बताया, बहुत हंसी हंस खेल में हमने पिक्चर बनाई का कैरेक्टर प्ले कर जो अगर आप बल्ब झपकेंगे तो गायब हो जाएंगे. नहीं नहीं, उन्होंने एक छोटा सा कैमियो किया है, एंड इनफैक्ट विकास बहल, मधुमन टेना, ये सब प्रोड्यूसर्स हैं, उन सबको हम लोग जो भी सेट होता था बोलते थे आगे एक सीन करो. तो सिर ने ऐसे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के साथ एक्टिंग की है पिक्चर में. बट इट वाज जस्ट आउट ऑफ फन एंड प्ले, एंड वाज स्वीट एनफ टू से यस. बजट प्रॉब्लम थी और बाकी एक्टर्स को अफोर्ड नहीं कर पाए हम लोग, तो हमने कहा क्या फ्री में काम करोगे, जितने लोग सबको यूज कर लिए, ऐसे हमने कम बजट में पिक्चर बनाई है.